नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। पड़ोसी युवक की हरकतों से तंग आकर बीती देर रात दो युवती डीआईजी बगलेजा पहुंची, जहां उन्होंने डीआईजी मिथिलेश शुक्ला से मिलकर अपनी समस्या बताई, जिसके बाद सिविल लाइन थाना पुलिस डीआईजी बगले पहुंची और दोनों युवती को अपने साथ थाने लाई, जहां उनकी शिकायत पर पड़ोस में रहने वाले युवक को भी थाने लाया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। अरे घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक सिविल लाइन थाना क्षेत्र के ढेकहा मोहल्ला निवासी दो युवती देर रात 10 बजे डीआईजी बगला जा पहुंची और बगले के बाहर ही बैठ गई। इसके बाद डीआईजी मिथिलेश शुक्ला ने उन्हें अंदर बुलाया और उनकी समस्या जानी, जिसके बाद सिविल लाइन थाना पुलिस को बुलाकर अग्रिम कार्रवाई के लिए डीआईजी द्वारा निर्देशित किया गया। युवतियों ने बताया कि पड़ोस में रहने वाला युवक पुराने विवाद के चलते उनको परेशान करता है और अभद्रता करता है। हालात यह हो गई है कि उनके आने जाने तक में दिक्कतें होने लगी हैं, जिसके बाद उन्होंने न्याय की गुहार लगाई है। मेरे बगल वाले ने थूका हमको देखकर। मैं आज इतनी पढ़ी लिखी हूँ कि मैं टीचर बनी हूँ, मैं क्यों पढ़ी लिखी कि मेरे पर कोई थूके तो मुझे तो फिर नौकरी। आप टीचर हैं, आपको ये बता, आप ओलंपिक विजेता हैं? जी जी जी। अब कौन सा गेम, कौन से गेम में? अभी मैंने एशिया रिकॉर्ड, किस खेल में? मैंने खेल में नहीं सर, मैंने पोर्ट्रेट बनाया था। और मैं आपको बता दूं, रीवा शहर के अंदर 18,000 सैनिटरी नैपकिन बांटी है मैंने। आपको अगर भरोसा ना हो तो चल के मेरा पेज देखिएगा। इसके बावजूद मैं घर से निकली सामान लेने, उन दोनों ने हमारे ऊपर थूका। मैंने पलट के देखा तो वो मुझे माँ की गाली दे रहा था, उससे मुझे संबोधित कर रहा था, मुझे और मेरी छोटी बहन को। ये है संजू तिवारी, ये सब्जी बेचते हैं, और घर के बगल वाले जो हैं उनका रीवा शहर के बहुत वरिष्ठ नेता से नाता है। कौन है नेता? उपनेता कौन है? बहुत वरिष्ठ नेता से नाता है, जिसके चलते ये सब हो रहा है। वरिष्ठ नेता कौन है? उनका हाथ लग रहा है सर, भाजपा का है। बहुत अच्छे से जानते हैं सर सारे वरिष्ठ नेताओं को। कारण क्या था? थूका? उन्होंने थूका हमको देख के, पता नहीं क्यों, क्योंकि वो एक टुकड़ा जमीन है सर, एक टुकड़ा जमीन जो मैं अभी सबके सामने कह रही हूँ कि ले लो जमीन, तुम उतनी जमीन सर किसी को खोद के गाड़ देने के लिए रहती है, उससे ज्यादा की वो जमीन नहीं है। और उसके लिए वो जमीन विवाद को किनारे रख के वो लड़कियों का करेक्टर जस्टिफिकेशन करते हैं, बताते हैं ये लड़कियां घर के अंदर नहीं, वो गंदी जगह में बैठने के लिए बनी है। इनको 200 रुपए 300 रुपए मिलने चाहिए इन लड़कियों को दिन के। सर, ये दो लड़कियों के द्वारा भी एडीजी का बंगले के सामने धरना दिया गया था, क्या मामला क्या हुआ? सूचना मिली थी कि कुछ बच्चियाँ वहाँ पे शिकायत की हैं साहब के यहाँ, बच्चियों को थाने बुलाया गया। ये पाया गया है कि इनके पड़ोस में कोई सोनू तिवारी हैं, बच्चियों के साथ संजू तिवारी हैं, जो बच्चियों के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किए हैं। संजू तिवारी को भी बुला लिया गया है, दोनों पक्षों से बातचीत करके और मुद्दा क्या है उसमें FIR दर्ज की जाएगी और अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। कई समय से छींटाकशी की शिकायतें, इसके संबंध में तो थाने में कोई ऐसी सूचना नहीं मिली थी, लेकिन अभी उसको बुला लिया गया है। लड़कियाँ भी हमारे पास ही हैं और एक पार्टी वहाँ ज़रूर है जिनका विवाद, जमीन का लेके विवाद इनका चल रहा है, लेकिन फिलहाल इससे संबंधित तो प्रकरण नहीं है। सोनू तिवारी का भी नया विषय आया है सामने, क्यों संजू तिवारी क्यों उसने गाली गलौज किया, लड़कियों की कंप्लेंट्स ले ली गई है, आगे की जांच इसमें कार्रवाई की जा रही है।